अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। आज खाना सिखाना में मैं बनाने जा रही हूँ मोज़रेला चीज़। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ मोज़रेला चीज़। ये मोज़रेला चीज़ को हम अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं ली हूँ 1 kg दूध। ये दूध हमारा कच्चा दूध है जो हमारे घरों में आता है, इसे पैकेट का दूध नहीं यूज़ करेंगे। हमेशा आपको चीज़ बनाने के लिए कच्चे दूध का ही यूज़ करेंगे, और पैकेट वाला दूध का अगर आप बनाएंगे चीज़ तो वो दूध फट जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा हमारा चीज़। ये देखिए, मैं उंगली डुबा के चेक कर रही हूँ, उसे गर्म करने के लिए चढ़ा दी थी। मैं उंगली डुबा के चेक करके देख, हल्का सा गर्म होगा तब फिर गैस को ऑफ कर देंगे और इस तरह विनेगर डालते जाएंगे और हिला हिला के देखेंगे। ये देखिए, मैं 2 चम्मच पहले डाल चुकी थी, फिर हिला के देखी हूँ नहीं फटा अभी, फिर 2 चम्मच फिर डालूंगी और इस तरह हिलाऊंगी। हल्का गुनगुना हमारा दूध गर्म हुआ है। मैं ये देखिए, हमारा फटना शुरू हो गया। मैं उंगली डुबा करके चेक कर रही थी, जब उंगली में थोड़ा लगने लगा, हाथ थोड़ा गर्म है, तब मैं उंगली को बाहर निकाली। उसके बाद मैं विनेगर डाली हूँ और डाल के इस तरह चलाते 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 रहेंगे और ये देखिए हमारा दूध इस तरह फट जाएगा। और ये फट जाएगा, छेना में क्या होता है ना, एक दूसरे से अलग रहता है, ये दूध थोड़ा चिपचिपा होगा, यही इसका पहचान है। ये देखिए, जब इसका ये छेना होगा ना तो एकदम चिपचिप थोड़ा करता है। ये इस तरह पूरे पानी को स्ट्रेन करके मैं निकाल ली हूँ, फिर इधर पानी को गैस को ऑन करके गर्म करने के लिए पानी रख दी। इसमें मैं डाल दी हूँ नमक। नमक डाल के इधर पानी हमारा थोड़ा गर्म हो रहा है, तब तक इधर इसके अंदर जितना भी पानी, इसको अच्छी तरह से एकदम निचोड़ लेंगे। ये देखिए, खूब अच्छी तरह से दबा के एकदम टाइट से इस तरह करके इसका जितना पानी से निचोड़ ली हूँ। ये देखिए, अभी टिकिया के जैसा ये हो गया है इसका शक्ल, मैंने ये एक शेप में हो गया है। ये पानी में डाल के 2 मिनट इस तरह इसको फिर बॉयल करेंगे। ये देखिए, इसमें मैं बॉयल करी डाल के इस फटे हुए दूध को। ये देखिए देखिए, अभी देखिए चिपकने लगा। ये देखिए, एक बार ही करने में ये देखिए मोज़रेला चीज़ की शक्ल लेना शुरू कर दिया। ये चीज़ हमारा बनना शुरू हो गया, छेना से अब ये चीज़ बन रहा है। फिर इस प्रोसेस को हम लोगों को 4 से 5 बार करना है। बस यूँ इसी तरह एकदम सेम इसी प्रोसेस में कीजिएगा तो आप लोग भी बहुत आसानी से मोज़रेला चीज़ अपने घर पे बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जिन्हें देखते हैं रेसिपी, मैं खाऊंगी इस तरह बनाऊंगी, लेकिन चीज़ वगैरह वहाँ आराम से नहीं मिलता है, बहुत परेशानी होता है, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। वो लोग हमारे वीडियो को देखें और देखने के बाद एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो उनका भी मोज़रेला चीज़ बन जाएगा और वो लोग भी आराम से मोज़रेला चीज़ से बनने वाली तमाम रेसिपी को अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए किस तरह ये एकदम, ये देखिए चिपचिपापन, ये देखिए किस तरह ये एकदम चिलगम की तरह टान रहा है। ये देखिए हो गई, इस प्रोसेस को मैं 4 से 5 बार कर दी। करने के बाद इस तरह अच्छे से पोलोथीन, साफ़ सुथरा पोलोथीन जो है उसमें ले करके इस तरह आप रबड़ भी लगा सकते हैं, यूँ इस तरह लपेट के भी एकदम बर्फ़ डाल के पानी को खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। चिल्ड पानी में इसको डाल करके 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे और इसके बाद ये देखिए हमारा मोज़रेला चीज़ बन गया। ये रहा हमारा होममेड मोज़रेला चीज़। मैं जिस तरह बताई हूँ एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपका भी मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छी तरह से घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये रहा हमारा मोज़रेला।